हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये अपने जो वीडियोस की सीरीज रहेगी, ये रहेगी क्लास 9th के SST यानी सोशल स्टडी के ऊपर कम्प्लीटली रहेगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो अपना ये आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपना हिस्ट्री, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के से फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन? सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या चीज़। इसमें देखो, सिंपली ये कंट्री है फ्रांस, है ना। फ्रांस के बारे में आपको पता देखना है कि उसमें जो रेवोल्यूशन है वो क्यों हुआ। ये देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि भाई फ्रांस या फ्रांस जो है वो किस जगह है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो, तो जैसे मान लो ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में आप देखते हो कि बेटा ये जो है ये आपका क्या है, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, ये बेटा ये है आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये है आपके एशिया, ये है यूरोप, यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल माउंटेन और यूराल सी। तो ये जो आपका जो यूरोप है, इस यूरोप को अगर मैं जूम करूं, थोड़ा सा जूम करूंगा, तो इसमें आपको एक कंट्री दिखेगी फ्रांस। इस कंट्री की बात हो रही है, फ्रांस के जस्ट इधर की साइड आपके है यूके, उत्तराखंड नहीं है, ये है आपके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, जिसको उस समय इंग्लैंड का था, बाद में टूट गई थी, है बाद में ये टूट गए, इसके 2-3 पार्ट हो गए थे, अपन वो बात नहीं देखेंगे, अपन बात करेंगे भी फ्रांस की। देखो, ये फ्रांस के अंदर की ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये अप्रोक्सीमेट है 18th सेंचुरी का। ये कम्प्लीटली जो आपका ये चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपके 18th सेंचुरी, है ना। अब 18th सेंचुरी का बेसिक मीन्स क्या होता है? 18th सेंचुरी का मीन्स होता है 1701, जो आपके है सन 1700 से लेकर 1799 तक काउंट ये होगा, बोलेंगे अपन 18th सेंचुरी। जैसे अभी जो चल रहा है 2021, ये भी कौन सी सेंचुरी है? तो आप बोलोगे सर 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 20, इससे एक ज़्यादा, सन 2000 से लेकर 2099 तक जो सेंचुरी रहेगी वो 21st सेंचुरी रहेगी, इससे एक ज़्यादा की सेंचुरी, ठीक है। ऐसा कैसे? 1701 से लेकर 1799 तक की जो सेंचुरी थी, सॉरी जो टाइम पीरियड था, उसको मैंने बोला 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के अंदर इस कंट्री में कुछ जो इवेंट हुए उसको अपन देखते हैं। देखो, 18th सेंचुरी के अंदर समथिंग 1774 का जो ईयर था, उस समय फ्रांस जो है वहाँ पे एक नए राजा बने। अब राजा बने तो कोई राज जो किंग बना तो कोई रॉयल फैमिली से होगा, तो वहाँ पे एक रॉयल फैमिली थी जिसका नाम था आपके बर्बन फैमिली, है ना, जिसका आपके बिस्किट भी आता है। बर्बन जो फैमिली है वहाँ, उसमें से एक नया राजा बना, एक नया किंग बना रॉयल फैमिली का, जो था आपके लुईस 16। क्या था? लुईस 16 जब किंग बना था फ्रांस का, तो उस समय जो उसकी ट्रेजरी थी, मतलब कि जो आपका बोल सकते हो आप राजकोष, जो उसका खजाना था राज का फ्रांस का, वो क्या था? एम्प्टी, यानी कि खाली था। उसका जो जितनी भी जो ट्रेजरी थी, यानी जो राजकोष था, जो उसका खजाना था, वो खाली था। वो खाली क्यों था? उसके 3 मेजर रीज़न थे, अपन एक एक करके देखते हैं, तो इनमें से एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सबसे पहले जो था वो ये था कि भाई उसकी रिसेंटली क्या हुई थी, इसे शादी की थी किसके, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, मतलब कि यही यूरोप के अंदर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, क्या ऑस्ट्रिया, वहाँ की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था मरियन एंटोनेटेट, ठीक है, उससे इन्होंने क्या कर दी थी, शादी कर ली थी। अब शादी करेंगे तो खर्चा हो गई, अब राजा है, किंग है, रॉयल फैमिली से तो खर्चा ज़्यादा होगा। तो मेन एक कारण ये था कि इन वजह से इनका जो इनकी जो ट्रेजरी थी या जो राजकोष था वो थोड़ा खाली हुआ। दूसरा था इनके लॉन्ग वॉर, क्या थी, फिर तो इनकी शादी होना, दूसरा क्या था इनके लॉन्ग वॉर, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चलना। अब ये लंबे टाइम से लड़ाई किसके लिए चल रही थी बेटा? ये जो आपके नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इधर की साइड आपके आता है यूएसए, गुलाम था उस समय,
उस समय यूएसए गुलाम था, तो उसको गुलामी से छुड़ाने के लिए फ्रांस ने उसकी या फ्रांस ने उसकी बहुत मदद की थी। तो मदद करने में ऐसा थोड़ी ना है कि बस बोल दिया मदद हो गई, उसको उसके पैसों के लिए, हथियार के लिए, जो भी मदद बन सकी, किसने की थी? फ्रांस ने मदद की थी। तो उस टाइम इसके ऊपर अ बिलियन, एक लगभग बिलियन लिवर्स लिवाइस लिब्रेस लिब्रेस का क्या हो गया था, इसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसके ऊपर चढ़ा गया था कर्जा, ठीक है ये तो। और ये भी इसको किसको पे करना था? फ्रांस को पे करना था। क्यों? क्योंकि भाई इतना देने के बाद यूएसए तो फ्री हो गया, यूएसए फ्री होते ही कि हम तो अभी भी फ्री हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो कर्जा था किसके ऊपर था? आपके फ्रांस के ऊपर। और जो कर्जा देने वाले जो उसके थे, जिन्होंने इनको क्रेडिट दिया था, पैसे दिए थे, वो अब इनसे क्या लेना चाहते थे? 10% इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट को मैं बोलना चाहूँ तो 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लेना चाहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अगर आप जानते हो तो ये जो होता है ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ऑलरेडी इनके पास कुछ था नहीं, ऊपर से ये इतना इनके ऊपर कर्जा था, इंटरेस्ट ऊपर से इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इन पे लग रहा था। उसके अलावा इनके यहाँ पर एक जो मेंटेनेंस होते थे, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो बाकी सब चीज़ों का हो, उसके साथ ही इनके एक महल था, एक प्लेस था जिसका नाम था वर्साय। वर्साय जो प्लेस था, उस प्लेस के अंदर भी क्या होता था, उस प्लेस के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा क्या था, प्लेस था, रॉयल प्लेस था। तो इन तीनों की वजह से धीरे 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 इनकी जो ट्रेजरी थी, इनका जो राजकोष था, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया? ख़त्म होने लग गया। पहला तो रिटेन, इनकी शादी, लॉन्ग वॉर जिसकी वजह से इनको कर्जा आ गया था, तीसरा क्या था, प्लेस की मेंटेनेंस की वजह से जो कि वर्षा था। अब भाई इस कर्जे से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, इस कर्जे से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल, जो कोई भी राजा करता है वो खुद तो कुछ कमाता नहीं है, वो टैक्स की बेसिस पर हर चीज़ों को सही करता है। तो उसने टैक्स बढ़ाने की सोची, क्या सोची? कि टैक्स बढ़ाया जाए। अब टैक्स बढ़ाने से पहले उसके सोसाइटी में टैक्स बढ़ाया जाए, तो उसके टैक्स के बारे में बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि भाई उनकी जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी कैसी थी, ठीक है? तो देखो उनकी सोसाइटी अपने से थोड़ी सी अलग थी। वहाँ पर सोसाइटी को बेसिकली तीन पार्ट्स में बांटा गया था, या बोल सकता हूँ मैं तीन स्टेट्स में बांटा गया था। इनकी जो सोसाइटी थी उसको तीन स्टेट्स में स्टेट में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। बेटा फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे इनके जो भी चर्चेस होते ना, जो भी चर्चेस होते थे, या जो आपके प्रिस्ट वगैरह होते थे जो कि इनके पूजा कराते थे चर्चेस में, वो आते थे फर्स्ट स्टेट्स के अंदर। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? सेकेंड स्टेट में आते थे आपके नोबल फैमिलीज, नोबल है ना पीपल, जिसमें आते थे आपके बेसिकली रॉयल फैमिलीज है ना, और उनके रिलेटिव्स आते थे सेकंड में, इसमें आ गया आपके नोबल्स है ना। थर्ड स्टेट में आते थे बचे हुए सारे के सारे, चाहे वो थोड़े बहुत अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, वकील हो, लॉयर हो, मतलब सुने सेम ही है, लॉयर हो या फिर आपके कुछ भी हो, सारे इन दोनों के अलावा जो बचा हो सारे के सारे थर्ड स्टेट्स में आते थे। अब देखो ये जो टैक्स होता था, टैक्स की बेसिस में आपको बताऊं तो फर्स्ट स्टेट्स वालों को टैक्स नहीं देना होता था। अब सेकंड स्टेट वाले होते थे नोबल्स, किंग वगैरह खुद ही, अब वो तो देंगे, देने से रहे भाई, ये भी देते नहीं थे। अब टैक्स देना किसको है? अब थर्ड स्टेट वालों को पूरा का पूरा टैक्स देना होता था, ठीक है? मतलब थर्ड स्टेट्स वाले जो होते थे उनको ही पूरा का पूरा टैक्स देना होता था, किसको? किंग के लिए। अब यहाँ पे अपन एक बार और ये बात भी देख लेना कि इनकी जो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने, लगभग लगभग 90% जो लोग थे वो फार्मर थे। क्या थे? फार्मर, लगभग लगभग 90% फार्मर थे। और फार्मर ऑफ कोर्स इसमें आएंगे नोबल, इसमें सॉरी थर्ड स्टेट में आएंगे। लेकिन अगर बात करूँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में 60% लैंड, 60% जो लैंड है वो किसके पास था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, और उसके अलावा थर्ड स्टेट में वो लोग जो थोड़े अमीर थे उनके पास था। बचा हुआ 40% किसके पास था? गरीबों के पास, या मान लो आप जो भी आपके रिपोर्टर्स हैं या जो भी आपके हैं आर्टिस्ट वगैरह है, उनके पास 40% ही था, ठीक है? अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टैक्स धीरे धीरे जो बढ़ रहा है वो थर्ड स्टेट्स के ऊपर बढ़ रहा है।
अब वैसे उनका सर्वाइवल बहुत महंगा पड़ रहा है, उनको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, अब धीरे धीरे उन पर टैक्स भी बढ़ेगा, तो एक उनके अंदर एक एग्रेशन, एक गुस्सा जागेगा, वही एक रीज़न बनेगा इनके रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये अपना है। इसके बाद तो क्या है, इसके बाद है कि धीरे धीरे इनके कंट्री में स्ट्रगल बढ़ने लग गया टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब कि बचने के लिए स्ट्रगल इनके हो ज़्यादा होने लग गया। इसका मेन रीज़न क्या था कि धीरे 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 जर्मनी के अंदर जो इनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनके अंदर जो यहाँ की महंगाई है, जो यहाँ की जो प्राइस है, जो बेस प्राइस है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एसेंशियल फूड आइटम्स की, वो बढ़ेगी। अब वो बढ़ेगी तो उसको, उस पेमेंट को करने के लिए लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते। अब इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो भूखे मरने लग गए, क्योंकि उनके पास दो टाइम का खाना, खाने का बेसिक मीन्स वहाँ पे खाना है, मतलब जैसे अपने यहाँ रोटी सब्जी होती है तो वहाँ पे वो बेसिकली यूज़ करते हैं होल व्हीट ब्रेड, मतलब गेहूँ से बनी हुई ब्रेड्स को वो कंज्यूम करते हैं, तो वो उसको भी नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि वो उनको भी वो भी चीज़ महंगी पड़ रही थी। उस कंडीशन को बोला जाता है सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाना जहाँ पे आप अपने बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट ना कर सको, चाहे वो खाने की और कपड़े पहनने की, उनकी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट ना कर सको, उस कंडीशन को कहा जाता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो इतना भयंकर कंडीशन हो गई इनकी यहाँ की, तो ऑफकोर्स है गुस्सा तो आना ही था, अब गुस्सा फूटेगा। तो अभी अपन देख रहे हैं कि क्या क्या रीज़न थे इनके गुस्सा फूटने के। एक तो ये हो गया, चलो ये तो उनके लिए जो कि थर्ड स्टेट्स के बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। अपन अब बात करते हैं थर्ड स्टेट के वो लोगों की जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, जिनको नॉर्मली बोला जाता है मिडिल क्लास। क्योंकि अब तक मैंने मिडिल क्लास की बात नहीं की है, मैंने सोसाइटी को बांटा है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट के अंदर एक नया ग्रुप, जो है जिसका बोला गया मिडिल क्लास, वो क्या होगा, ग्रो होगा, ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन आते हैं सर, थर्ड स्टेट्स के वो लोग जो कि एजुकेटेड थे, जिसमें आपके रिपोर्टर्स है, या मान लो आपके जो आर्टिस्ट वगैरह है, या जो भी आपके हो गए कारपेंटर्स है, लॉयर्स है, सारे के सारे जो एजुकेटेड है, लेकिन दे डोंट हैव इनफ इनफ मनी, है ना, इतनी भी ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास। अब उनकी एजुकेशन की वजह से उनके माइंड के अंदर नए नए थॉट्स आ रहे हैं, बेसिकली वो देख रहे हैं कि यार ये जो हो रहा है ना सोसाइटी के अंदर, डेफिनेटली ये सही नहीं है। तो उनके मन में ऐसा आ रहा है कि काश हमारा देश ऐसा होता, हमारी कंट्री ऐसी होती। ठीक है, तो उस समय वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी कुछ फिलोसफर्स थे, बहुत सारे फिलोसफर्स थे, फिलोसफर मतलब कि जो अपनी बातों को रखते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ के जो फिलोसफर्स थे उनमें से दो के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक तो है आपके जॉन लॉक। जॉन लॉक ने किताब लिखी थी, क्या थी वो, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या बताया कि किसी गवर्नमेंट के अंदर जो राजा है उसकी पावर्स पे कितना कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए कि वो कुछ भी कर सके, उसके ऊपर भी सर्टेन कुछ एक क्राइटेरिया तक उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, कुछ बंदिशें होनी चाहिए। तो लोगों ने पढ़ा, स्पेशली मिडिल क्लास जो कि थर्ड स्टेट्स के जो एजुकेटेड लोगों थे वो इसको, उन्होंने पढ़ा, उनको या उन्होंने रिलेट किया उस चीज़ को, उनको लगा कि हाँ ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, कि अगर आप राजा उसका मतलब नहीं है कि आप हर कुछ भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कैसे एक दूसरे थे मैन किस टू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ दी लॉ ऐसे करके एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ दी लॉ। इन्होंने इसमें क्या लिखा था, इन्होंने इसे बताया था कि एक कंट्री के अंदर जो लॉ है या जो भी आपका जो गवर्नमेंट है उसके मेजरली तीन पार्ट्स होने चाहिए, जो कि इंडिया में भी है, जैसे जुडिशरी, आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके तीन पार्ट्स होने चाहिए, तीनों के अपने अपने राइट्स होने चाहिए और तीनों के पास कुछ सर्टन लिमिटेशन होनी चाहिए। और इस समय देखो, आपको याद है जब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि लॉन्ग वॉर चली थी, किसके लिए, यूएसए के लिए। तो यूएसए जब फ्री हुआ तो यूएसए ने फ्री होके जो स्पिरिट ऑफ द लॉ की जो मेन कंसेप्ट था ना, डिवाइडेशन, उनको इस यूएसए ने उसको अपनाया भी। तो देखो, जब ये किताबें लोगों ने पढ़ी, स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों ने, तो जैसे यहाँ पर थड़ियों पर बैठ कर लोग बातें करते हैं, वैसे वहाँ पर जो कैफे हाउस होता था वहाँ पर वो बैठ कर अपने बातें करते थे, वो अपने बातों को डिस्कस करते थे। तो उनको भी, उनके मन में भी धीरे धीरे आक्रोश आने लग गया। रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था कि उनको ऐसा लगता था कि जो हो रहा है ना सोसाइटी में, कि यार जो टैक्सेस हैं वो ओनली थर्ड स्टेट्स के लोगों को दिए जा रहे हैं, जो भी नुकसान, जो भी चीज़ होती है वो थर्ड स्टेट्स को ही देनी पड़ रही है।
ठीक है, तो उनके मन में क्या आने लग गया, आक्रोश आने लग गया, एक एगेशन आने लग गया गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि मेन रीजन बनेगा आगे जाके किसके लिए, रिवोल्यूशन के लिए। उसके अलावा बेटा दो टैक्स हुआ करते थे, एक तो था टाइट, टाइट, दूसरा होता था आपके टाइल। देखो टाइट वो टैक्स होता था जो थर्ड स्टेट, एविडेंटली देना किसको है बेटा, थर्ड स्टेट्स के लोगों को, थर्ड स्टेट्स के लोगों को देना पड़ता था, फर्स्ट स्टेट्स के मतलब कि थर्ड स्टेट्स के लोग चर्चेस को जो टैक्स पे करते थे उसको बोला जाता था टाइथ, और थर्ड स्टेट्स के लोग जो सेकंड स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट को पे करते थे उसको बोला जाता था टाइल। मतलब आप फर्स्ट और सेकंड वाले जो स्टेट्स हैं वो कुछ ना करें तो भी उनके पास पैसे आ रहे हैं, और थर्ड स्टेट्स वाले जो भूखे मर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी, वो लगातार क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं और दे रहे हैं, कमा रहे हैं दे रहे हैं, कमा रहे हैं दे रहे हैं। तो ये पूरी सोसाइटी में एक बहुत भयंकर लेवल पे इनके मन में आक्रोश आ गया था, क्योंकि थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास भी आते हैं, थर्ड स्टेट में वो भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये रीज़न बना आगे जाके रिवोल्यूशन का, और इसके बाद जो टॉपिक है वो है द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन, की रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। आज के अपन ने जो वीडियो देखा उस वीडियो में अपन ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन की, एक जो फ्रांस है या जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसके बैकग्राउंड देखा कि भाई किन कारणों से या क्या क्या रीज़न थे रेवोल्यूशन के। अब अपन देखेंगे कि रेवोल्यूशन में हुआ क्या, रेवोल्यूशन ऐसे थोड़ी ना है कि आधी रात को हुआ सुबह ख़त्म हो गया, वो भी एक लंबी प्रोसेस थी, वो भी अपन देखेंगे धीरे धीरे करके कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वापस देखिएगा, और जो भी डाउट्स रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, उम्मीद है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।